हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन मैं हूं अर्पित और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जिस बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को डिस्कस करेंगे वो है 90's. तो आइए चलिए एस्थेटिक मूवमेंट प्री रेफलाइट मूवमेंट और ऑक्सफर्ड मूवमेंट ये सभी विक्टोरियनिज्म के मल्टीफेरियस एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑक्सफर्ड मूवमेंट का एम रोमन कैथोलिसिज्म का रिवाइवल था प्री रेफ्लाइट मूवमेंट आर्ट और आर्टिस्टिक वैल्यूज के ग्लोरीफिकेशन पर नज़र रखता था खास तौर से पोइट्री में और एस्थेटिक मूवमेंट ने यही काम प्रोज और क्रिटिसिज्म की फील्ड में किया वाटर होरोशियो पैटर एस्थेटिक मूवमेंट के मेंटर थे उन्हें रस्किन से इंस्पिरेशन मिला था जिन्होंने अपनी जनरेशन को ब्यूटी और नेचुरल फैनमिना को अप्रिशिएट करना सिखाया ऑस्कर वाइल्ड एस्थेटिक मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता बन गए थे पोएट्री की फील्ड में डीजी रोसेटी सबसे प्रमुख थे मॉरिस सनबर्न प्री रेफलाइट के दो और ग्रेट पोएट थे इन्हें ही प्री रेफ्लाइट्स और नॉटी नाइन्टीज कहा जाता था ऑस्कर वाइल्ड जैसे कुछ अल्टर रेडिकल्स विक्टोरियन एरा में सेक्स पर प्रतिबंध और आर्ट ऑफ आर्ट से की वकालत में कुछ ज्यादा ही नॉटी थे विक्टोरियन एरा की प्रचलित मान्यताओं को अब पहली बार क्रिटिसाइज किया जा रहा था असल में ये ट्रांज़िशन पीरियड था और हर ट्रांजिशन पीरियड की तरह नाइनटीन सेंचुरी के इस लास्ट पार्ट ने आर्ट और लिटरेचर के साथ साथ ज़िंदगी के हर पहलू में बदलाव को देखा तो दोस्तों ये था नोटी नाइन्टीज और आज के लिए बस इतना ही थैंक यू